तो भाई हम लोग आज ये जो क्रॉम्पटन का एग्जस्ट फैन है 450 mm वाला हाई स्पीड वाला है, किचन में लगाने का, जो बड़े एरिया में लगाने का रहता, तो इसको हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसको फिटिंग कैसे करते हैं वो बताने वाले हैं और वॉल पे इसको कैसे फिट करते हैं वो भी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसको पहले बॉक्स ओपन करते हैं। इसको ओपन करते हैं, ये देख सकते हैं एक हेवी वाला ब्लेड है, ये मेटल बॉडी का। उसका कवर निकालता हूँ आपको बताता हूँ, ये देख सकते हैं पूरा हेवी वाला है, हेवी ब्लेड है ये। इसके बाद इसको साइड में रखते हैं। ये रहा इसका ऊपर का जो पट्टी है राउंड वाला, इसका पूरा सामान खुला आता है, इसको हम फिटिंग करना है। इसके बाद इसके अंदर की जो पट्टी है साइड में लगाने की, ये चार पट्टी है, ये भी हेवी वाली है मेटल की, ये चार पीस हो गए। इसके बाद ये एक नट बोल्ट जो ब्लेड को लगने वाला अपने। ये रहा हमका बॉक्स जो मोटर का है, इसको भी ओपन करते हैं। देख सकते हैं पैकिंग कितनी अच्छी तरह से आई है। ये रही भाई मोटर, बहुत ही हेवी है भाई, मेटल बॉडी, कॉपर वेंडिंग है, 450 mm की है। देख सकते हैं ये रही मोटर हमारी, इसका मेनू भी है, देख सकते हैं 50 हैज 1400 RPM स्पीड, 350 वॉट है इसका स्वीप, जो इसकी 450 mm है, पढ़ ले सकते हैं आप। तो चलो भाई इसको हम फिटिंग करते हैं। ये नट बोल्ट को चारों तरफ से निकालते हैं, इसके 8 नट बोल्ट आए। पूरा निकालने के बाद ये रहा एक पट्टी को लगाएंगे इसको अच्छी तरह से, इसी तरह से चारों तरफ नट बोल्ट लगा लेंगे हम। तो ये हो गया भाई, चारों तरफ नट बोल्ट लगा लिया है। अभी इसको रेंच पाने से अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, देख सकते एक एक करके पूरा टाइट कर देंगे इसको, फुल टाइट, इतना टाइट के हले भी नहीं। हेवी वाला फ़ैन है, बहुत स्पीड फिरता है, इसीलिए इसको अच्छे से टाइट करें, कहीं निकल ना जाए नट बोल्ट। पूरे नट बोल्ट को इसे टाइट कर लेंगे। इसके बाद रहा भाई ये ब्लेड, भाई ये ब्लेड को बहुत अच्छे से फिट करो, कम से कम ये 1 kg का भी है, सिर्फ ये नट पे ही टिका हुआ है। अपने को नट को अच्छी तरह से टाइट करना है। इसके बाद ऊपर एक छोटा सा वॉचर आता है, उसको भी लगाना है, फुल टाइट करना है। ये रहा हमारा फिटिंग हो चुका है फ़ैन, देख सकते हैं इस तरह से स्पीड आ रहा, बहुत हेवी है भाई, शेक हो रहा था। इसके बाद चलो हम वॉल पे फिट करते हैं स्टार्ट। ये हमारे आबिद भाई है, अभी मार्किंग लगा रहे हैं इसको, इसके हिसाब से राउंड मार्किंग दे दी हम लोग। ये कटिंग चालू हो गई हमारी, वॉल को कट कर रहे हैं हम लोग, 8 inch की वॉल है हमारी। इसको राउंड वॉल कटिंग ब्लेड से अच्छे से राउंड काटें। ये भाई पूरी मार्किंग हो गई हमारी, इसके बाद ड्रिल मशीन से इसको निकालना चालू होगा। हेलो हेलो, मैं आबिद भाई, इसको इसे धीरे धीरे ड्रिल मशीन से होल मारना चालू कर दिए। आधा घंटा लगा भाई इसको निकालने में, बहुत धीरे से निकालना है क्योंकि राउंड निकालना था। इस तरह से हमारा राउंड वाला होल हो चुका है। इसके अंदर ये नट बोल्ट जो है अच्छी तरह से फिट करें, ड्रिल मार के चारों तरफ लग गए। इसी तरह से हमारा फ़ैन फिटिंग होगा, कनेक्शन भी लग चुका है। अभी स्विच ऑन करो आबिद भाई, देख सकते हैं स्पीड इसकी किस तरह से है, फुल हाई स्पीड है भाई। उसके बाद
अंदर की तरफ से आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।